الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء إلى الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمي الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا फसलु जुलूसन अजमाऊन रवा उलबारी सही बखारी की एक हदीस मैंने आपके सामने पेश की है अब हर रज़ी रिवायत फ़रमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सम ने फ़रमाया कि इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी पैरवी की जाए उसकी इक्तदा की जाए तो इमाम जो होता है नमाज़ों का इमाम वो इसलिए होता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए और आगे फ़रमाया फ़ीदा कब्बर बब जब इमाम अल्लाह अकबर कहे तभी तुम्हें अल्लाह अकबर कहना है और जब इमाम रुकू करे तभी आपको रुकू करना है और जब इमाम कहे समी सम हमदा, तो इसके बाद पढ़ना है रबाना लकल हम और जब इमाम सजदा करे तो उसके बाद सजदा करना है हत्या कि आखिर में कहा कि वहीदा साजालसन अगर इमाम किसी वजह से बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है फसलु जुलूसन अजमाऊन तो पीछे तमाम मकतदियों को भी बैठकर ही नमाज पढ़नी होगी अगर इमाम के साथ कोई उजर है कोई मसला है वो बैठ के नमाज पढ़ रहा तो गर्जे पीछे मुखदियों के पास कोई उजर नहीं है लेकिन इमाम की इक्तदा में उसकी पैरिमी में उन्हें भी खड़ा नहीं होना बल्कि बैठ के ही नमाज़ पढ़ना है बाहर लोगों ने इसको इस हदीस को मनसूख कहा है लेकिन दीगर अल्म ने कहा है कि मनसूख नहीं है और अल्लाह के नब की एक और हदीस है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उन वाली कि उसमें अल्लाह के नबी से असलम उसमें बैठ के नमाज़ पढ़ा रहे थे पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ा साबराम ने तो उसमें जो नमाज असल जो नमाज़ शुरू की गई थी वो मामला वहाँ का अलग था बाद महदस ने कहा उसका मामला अलग है कुछ कहते हैं कि वो हदीस नासिख है लेकिन कुछ महदस ने तदबीक दी है और कहा है कि वो जो अबू बकर रजिनों ने नमाज़ पढ़ाई थी वो खड़े होकर शुरू की थी नमाज जो शुरू की थी वो खड़े होकर अब बाद में दूसरे इमाम आ गए तो वो मामला अलग हो गया लेकिन अगर कोई इमाम शुरू से नमाज़ पढ़ा रहा है और वो किसी वजह से बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है तो पीछे सबको बैठ के नमाज़ पढ़ना चाहिए बहरहाल असल इस हदीस का जो मफहूम है वो ये कि इमाम जो नॉर्मल हालात में रुख सजदा वगैरह करता है तो हमें किसी भी मामले में इमाम से पहल नहीं करना चाहिए खास तौर से तकबीर तहरीमा अगर इमाम से पहले किसी ने तकबीर तहरीमा कह दिया तो याद रहें कि उसकी नमाज बातिल है उसकी नमाज नहीं होगी उसको नमाज दोहराना पड़ेगा फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इमाम के साथ वो है ही नहीं इमाम से जुड़ा ही नहीं है वो उसके बाद इमाम तकबीर कह रहा है वो पहले से शुरू कर दिया नमाज उसकी नमाज नहीं होगी उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा और इसी के साथ एक और मसला वाजे कर दें वो ये कि कभी कभी होता है इमाम कोई भी उससे गलती हो जाती है इंसान भूल चुक हो जाती है तो मुख्तिस हजारत की जिम्मेदारी होती है कि उसे लुमा दें अगर वो लुमा ले लेता तो ठीक है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बर वक्त उसको लुमा नहीं दिया जाता है या नहीं दे पाते हैं लोग या वो नहीं सुन पाता है और वो आगे बढ़ जाता है मिसाल के तौर तो पर चार रकत वाली नमाजें अब दो रकत पे के बाद बैठना होता है अब अगर कभी इमाम गलती से भूल चुक के ना बैठ पाए और खड़ा होने लगे तो मुक्तियों की जिम्मेदारी ही लुकमा दें बिठाएं उसको लेकिन अगर वो खड़ा हो गया खड़ा हो गया बिल्कुल तो उसके बाद मुक्तदी उसको बिठा नहीं सकते उनको भी इसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा इसके बारे में सोना नबी दाऊद की बहुत ही वाज हदीस है मुगीरा बिन शोबा रजन फरमाते हैं कि अल्लाह है के नबी सल्ह फरमायादा काम अल इमाम फिर कत हदीस के अल्फाज क्या हैं काम अल इमाम फिर कात कि अगर इमाम दो रकत के बाद खड़ा हो जाए दो रकत के बाद बैठना होता ना खड़ा हो जाए तो फाइन आगे है कि ज़क्र कबलविया का इमन फली अजलिस फ़ैन जक्रा कबलास्तविया का इमन फली अजलिस तो अगर वो मुकम्मल खड़ा होने से पहले ही याद कर ले की गलती हो रही है तो बैठ जाए जैसे खड़ा होने जा रहा लेकिन खड़ा नहीं हुआ अभी फौरन उससे याद आ गया किसी ने बता दिया पीछे से लुकमा दे दिया तो वह बैठ जाए लेकिन आगे हदीस में क्या है कि अगर इस तवाकाइमन अगर वो मुकम्मल खड़ा हो गया फला या जलिस तो बैठे नहीं ये अल्लाह के नस्म के अल्फाज है कि उसान नबी दाउद कहदीस है कि अगर वो मुकम्मल खड़ा हो गया इस तवाकाइमन आईमन मुकम्मल खड़ा हो गया फला या जलिस और मुकम्मल खड़ा होने के बाद उसे याद आ रहा है या पीछे से कोई लुकमा दे रहा है फ़ला या जलिस उसे बैठना नहीं है बल्कि उसके साथ पीछे सबको खड़े होना है ये असल में इमाम की एक अथॉरिटी और उसकी एक, एक अहमियत का मसला है कोई भी मसले पर खड़ा हो गया चाहे हम चाहे आप कोई भी कोई मामूली शख्स ही खड़ा क्यों नहीं हो गया तो उसकी ये अहमियत होती है यहाँ आने के बाद उसको ये दर्जा मिल जाता है कि सारे मुक्तदी हजरात को इसे फॉलो करना होता है चाहे वो कोई भी हो छोटा बड़ा कोई भी हो हम यहाँ पर कोई भी लेकिन अगर किसी को आप मसल पर खड़ा करते हैं तो उसके जो हकूक़ हैं उसका जो पावर है उसका जो मामला है वो सब हमको मालूम होना चाहिए तो इमाम का मामला ये कि अगर वो मुकम्मल खड़ा हो गया है तो मुख्ती हजरात अगर उसको बैठाने लगें तो फिर वो इमाम कहाँ रह गया घर उसने गलती किया है लेकिन अगर आप उसको वापस बैठा देंगे तो इमाम नहीं रह गया इमाम तो आप हो गए जो बैठा रहे हैं उसको तो आप उसको बैठा नहीं सकते ठीक है ठीक है उससे गलती हुई है लेकिन अल्लाह के नबी ने आगे क्या कहा वसा सजदा व यद सज्जते सब कि अगर मुकम्मल खड़ा हो गया तो बैठेगा तो नहीं लेकिन लास्ट में आखिर में दो सजदे कर लेगा यानी सजदे सौ कर लेगा तो अगर बीच में किसी इमाम से गलती हो गई वो खड़ा हो गया मुकम्मल तो न तो वो बैठेगा न कोई उसे बैठा सकता है हाँ बाद में उसकी भरपाई क्या होगी कि दो सजदे सौ करना है तो ये मसले थे चंद इमाम के तलुक़ से कि जब हम इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे जमात के साथ तो चाहे रुकू का मसला हो तकबीर का मसला हो सजदे का मसला हो कोई भी मसला हो नमाज का कोई भी हिस्सा हो हर हिस्से में हमें इमाम का साथ देना है चाहे वो सही कर रहा है चाहे गलत कर रहा है अगर वो गलत कर रहा है तो हमें टोकना है जहाँ तक हमसे हो सके हमें उसे बताना है अगर वो पिकअप कर लेता तो ठीक है लेकिन अगर वो पिकअप नहीं कर पाता है अगर वो कैश नहीं कर पाता आपकी बात और आगे बढ़ गया तो हमें भी उसके साथ आगे बढ़ना है अब वो नमाज़ खत्म होने के बाद देखेंगे अगर उसको बताएंगे अगर नहीं याद है तो उसको बताएंगे बाद में वो सदसव कर सकता है या हो सकता है उसे खुद याद आ जाए बाद में सदसव करेगा उसका एक दूसरा हल है लेकिन ये जो सिस्टम है नमाज का कि इमाम तो इमाम है तो उसको उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते मुख्तिय हजरा उसको सिर्फ़ बताएँगे आगाह करेंगे लेकिन उसको आगे पीछे नहीं कर सकते इमाम को भले वो गलती कर रहा हो तो ये जो इमाम का मकाम है इसको हमें समझना चाहिए और ये ऐसा नहीं कि कोई अपनी तरफ से कह रहा है हदीस है अल्लाह के नबी सब ने यही बताया है कि ऐसे ही इमाम के साथ हमको नमाज़ पढ़नी है इसलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे आमीन आलमीन